हेलो दोस्तों, वेलकम टू द कॉमिक जोन। पीएम मोदी जी ने सेंट्रल विस्ता का उद्घाटन किया। सेंट्रल विस्ता के बीचों बीच से जाती सड़क का नाम राजपथ से बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया। इसके बाद मोदी जी ने कुछ कहा। राजपथ ब्रिटिश राज के लिए था, जिनके लिए भारत के लोग गुलाम थे। राजपथ की भावना भी गुलामी का प्रतीक थी, उसकी संरचना भी गुलामी का प्रतीक थी। आज इसका आर्किटेक्चर भी बदला है और उसकी आत्मा भी बदली है। राजपथ अंग्रेजी का प्रतीक था, सेंट्रल विस्टा हिंदी है। ये भाषण ब्रिटेन क्वीन एलिजाबेथ टू के निधन के एक दिन पहले का है। अगले ही दिन ये खबर आई, क्वीन का निधन हो गया है। पीएम मोदी जी की सरकार ने दिवंगत महारानी के सम्मान में पूरे देश में एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया। हिंदुस्तान के गुलामी का जो इतिहास रहा है, भारत की आजादी की जो लड़ाई रही है, जिस भारत के लिए अनगिनत कुर्बानियां हुई है, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचार सहे, उस अंग्रेजी अत्याचार की हेड रही है क्वीन एलिजाबेथ टू। ये वही क्वीन की सरकार थी जो भारत के फ्रीडम फाइटर्स के खिलाफ थी। उसी के सम्मान में राष्ट्रीय शोक की घोषणा करी गई, और ये घोषणा उसी व्यक्ति ने की थी जिसने एक दिन पहले ही ये दावा किया था। राजपथ ब्रिटिश राज के लिए था, जिनके लिए भारत के लोग गुलाम थे। राजपथ की भावना भी गुलामी का प्रतीक थी, उसकी संरचना भी गुलामी का प्रतीक थी। आज इसका आर्किटेक्चर भी बदला है और उसकी आत्मा भी बदली है। ये खोखलेपन को दिखाता है। किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के देहांत पर श्रद्धांजलि इंसानियत का भी तकाजा है, विदेशी नीति का भी। लेकिन एक राज्यशाही के मृत्यु पर, वो भी ब्रिटेन की महारानी, जिनके पुरखों का 200 साल का इतिहास लूटपाट जुल्म धोखेबाजी का इतिहास रहा है, उसके लिए राष्ट्रीय शोक की उम्मीद आप राजनीतिक रूप से भी कैसे देख सकते हैं। इस परिवार ने कभी भारत में जुल्म किए गए को माना नहीं, ना प्रायश्चित किया। और समझने के लिए आप जानियल वाला बाग का एग्जाम्पल ले लीजिए। एलिजाबेथ तीन बार भारत के दौरे पर आई। 1997 में आखिरी बार वो भारत के दौरे पर आई और जानियलवाला बाग भी गई, लेकिन वहां भी उन्होंने 13 अप्रैल 1919 की भयानक घटाई घटना की माफी मांगना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, हमारे राज के वक्त कुछ परेशानी करने वाली घटनाएं हैं। जालियनवाला बाग हो या 1942 के भारत छोड़ो के आंदोलन के दौरान अंग्रेज की गई हुकूमत के जुल्म हो, या ब्रिटिश हुकूमत की महारानी ने कभी उन चीजों के लिए माफी नहीं मांगी। ऐसे महारानी के लिए राष्ट्रीय शोक की घोषणा ये एक खोखली सियासत ही कर सकती है। जो गुलामी की निशानी को मिटाने निकले हैं, उन्होंने आजादी की लड़ाई के वक्त, ये बात तो आपको पता ही होगी, जब अंग्रेजी हुकूमत का जुल्म अत्याचार के साथ देशभक्ति की परीक्षा चल रही थी, तब सावरकर, गोलवरकर और अन्य चोरी छिपे ताउम्र अंग्रेजी हुकूमत का वफादार होने का हलफनामा दे रहे थे। हिंदुस्तानियों को आजादी की लड़ाई से दूर रखने का प्रयास कर रहे थे। अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति के तहत हिंदू मुसलमान लड़ाने की षड्यंत्र रच रहे थे। अब इनकी चौथी आंख देख लेते हैं, जिनसे वो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम ही देखते हैं। लिस्टस अपने नाम का ऐलान होते ही अपनी सीट से उठी। सुनक तो लिस्ट की जीत पर ताली बजाने लगे, लेकिन लिस्टस अपने प्रतिद्वंदी ऋषि सुनक से हाथ मिलाए बगैर आगे बढ़ गए। लेकिन जब बात प्रधानमंत्री चुनने की आई, तो कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों ने एक ब्रिटिश हिंदू को नहीं, अंग्रेज को ही अपना नेता और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। यहाँ साफ दिख रहा है कि लिस्ट्रस सिर्फ ऋषि सुनक से ही नहीं, बल्कि वहाँ सभी मौजूद सैकड़ों लोगों में से किसी से भी ना हाथ मिलाया ना किसी और को देखा। इसके बावजूद भी इनकी चौथी आंख ने लिस्ट्रस में सुनक के लिए साजिश, भारत विरोध दिखाई दे गई। अब एबीपी न्यूज की चौथी आंख से पाकिस्तान को देखिए। पाकिस्तानी आतंक के एटम बम की फैक्ट्री में किस तरह से कहर ढा रहा है आतंक की बर्बादी का सैलाब, ये मैं नीरज राजपूत आपको दिखा। एक और देखिए। पाकिस्तान इस वक्त भी संकट में है और भारत उसकी मदद भी कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों की फितरत ऐसी है कि वो दोस्तों के साथ भी दगाबाजी करता है। पाकिस्तान पूरी दुनिया से भीख मांग रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की छवि को भी दिवालिया कर रहा है। ये देखकर ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति है जो दूसरों के दुख में सुख देखता है। अब इनके सुख ढूंढने के जुमले सुनिए। पाकिस्तान ने बाढ़ से भी पैसे कमाने की कोशिश शुरू कर दी। शहबाज का खजाना खाली है, इसीलिए पाकिस्तान ने मदद के लिए अपना कटोरा दुनिया के सामने रख दिया। पाकिस्तान को यकीन है कि अब हिंदुस्तान ही उसे बचा सकता है। मोदी ही पाकिस्तान को मुसीबत से निकाल सकते हैं, इसीलिए इस्लामाबाद में मोदी और हिंदुस्तान का जिक्र हो रहा है।
और अगर आपको कम्युनल न्यूज की हद पार देखना है तो न्यूज 18 के इन दो बंदरों को देख लीजिए। इस देश में कई ऐसे लोग हैं जो तालिबान को सत्ता मिलने पर ताली फेंकते हैं, तालिबान के इस्लामिक एजेंडे को सपोर्ट करते हैं। कि जम्मू कश्मीर में क्या पहला हिंदू मुख्यमंत्री, क्या इसी बात से जम्मू कश्मीर की पार्टियां और आतंकवादी इतने बौखलाए हुए हैं लगातार टारगेट के लिए चलते तो तब भी थे, बोलता थे ही नहीं था। अब बोला भी जाता है, दिखाया भी जाता है, एक्सपोज भी किया जाता है। राम मंदिर की बात तो तब भी होती थी लेकिन बनता नहीं था। ये गजवा हिंद वाले आजकल भगवा हिंद से बहुत डरे हुए। 2047 में विकसित राष्ट्र या इस्लामिक राष्ट्र, जो कि बॉर्डर वाले राज्यों में एक बड़ी साजिश का खुलासा भी हुआ है, जहां साजिश के तहत एक समुदाय की आबादी बढ़ाने की चाल चल रही है, इसका खुलासा भी हो गया है। आपको लग रहा है महबूबा मुफ्ती आतंकवाद के खिलाफ सड़कों पर आएंगे? आपको लग रहा है फारूक अब्दुल्ला आतंकवाद के खिलाफ सड़कों पर आएंगे? कश्मीरी पंडितों की लिंचिंग हुई, उनको मारा जा रहा, काटा जा रहा है, कौन सी पार्टी आ गई सड़कों पर? ये इनको वोटिंग अधिकार दिए गए तो ये लोग सड़कों। तो इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। और आखिर में छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।